इसलिए आप कुछ मफहूम समझ गए होंगे जो मैंने आयत करीमा पढ़ी सूरह बकरा की 216 में। फिर भी मैं मफहूम आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि असा और हो सकता है अंतक रहु शैया कि तुम किसी चीज को बुरा समझो, नागवारी का इजहार करो किसी काम पे। वहू खैरुल्लाह और वो तुम्हारे लिए बेहतर आसा, और ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि अंत हिब्बू शैया कि तुम किसी चीज को महबूब जानो, अच्छा समझो अपने लिए। वहू शरुल्लाह और वो तुम्हारे लिए शर का वायस बुरी हो। वल्लाहु यालम वअंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो मेरे को जो इंसान आने वाले हालात से बेखबर है कि इस काम का क्या नतीजा है। मसलन बेटी बेटे की शादी करूंगा, निभाओ होगा कि नहीं, लोग अच्छे निकलेंगे बुरे निकलेंगे, कामयाब रहेगी नाकाम रहेगी, ये नहीं जानता। कारोबार नफाबख्श रहेगा नुकसानदेह होगा, यहां दुकान डालनी ठीक रहेगी, यहां मार्केट बनाना ठीक रहेगी, प्लाजा बनाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, सफर करूं कि ना करूं, खैर बरकत का बायस होगा या किसी शहर का तकलीफ का बायस होगा, तो ये सारी बातें नहीं जानते कि क्या बनेगा। इसलिए जरूरी है कि किसी तजर्बाकार से मशवरा किया जाए, साहिब इल्म से, और यह मशवरा बड़ा जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हान व तआला ने यह मुसलमानों का तर्ज अमल बताया, सूरह शूरा आयत नंबर 38 अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि वामरहुम बैनहुम शूरा, बहना हम अंग के जो काम है वो आपस में मुशावर से तय होता, शूरा बहना हूं आपस में मुशावर से तय होता। बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया कि वशाबिर हूं फिर अमर, ऐ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इनसे मशवरा कीजिए, अहम कामों के अंदर इनसे मशवरा कीजिए। उसका मतलब यह हुआ कि मशवरा जरूर करना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हर अरे गहरे से मशवरा उससे करना चाहिए कि जो खैर का हो, अपना हो, साहिब इलम हो, तजर्बाकार हो। तो भाई अल्लाह से ज्यादा कौन खैरखा हो सकता है, अल्लाह से ज्यादा इल्म का ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले
उधर रुजू करे, सबसे पहले उससे तलब करे, उससे मांगे। जो गैब जानता है, इंसान को गैब नहीं जानता, तो उससे खैर तलब करने को इस्तहारा कहते हैं। जो मेरे आज का मौजू है इस नशिस्त के अंदर, इसी मौजू पे बात होगी, खैर के तलब करने को अल्लाह सुभान व तआला से इस्तहारा कहते हैं। और सहाबा कहते हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन के प्यारे पैगंबर इस्लाम हर मामले में हमें इस्तहारे की तरदीब देते हैं। इस तरह ये अल्फाज सिखाते हैं जैसे कुरान करीम की सूरत सिखाते हैं, इस तरह दुआ सिखाते। जबर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा हम्मा अहदुकुम फलयरका रकअतैन मिन गैर फरीदा तुम्मा यकूल। कहते हैं कि प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जब तुम में से काम का इरादा करे फलयरका रकअतैन, क्या करे? दो रकअतें पढ़े। मिन गैर फरीदा, फर्द नमाज के अलावा, फर्द रकअतों के अलावा, तुम मजबूर फिर कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिका वास्तगफिरुका बिकुदरतिका वास्तगफिरुका मिन फ़ज़लिका अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु वतअलमु वला अअलमु वअन्ता अल्लामुल ग़ुयूब। फिर दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिका, अल्लाह मैं इस काम के मामले में तुझसे खैर तलब करता हूं तेरे इल्म की बिना पर, अस्तकदीरु का भी कुदरती का, अल्लाह मैं तुझसे तौफीक मांगता हूं, इस्ताद मांगता हूं, कुदरत मांगता हूं तेरी कुदरत के साथ, वास्तु का मेरे फजल कल अजीम, अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल अजीम मांगता हूं, तेरे उस बड़े फजल का सवाल करता हूं। पैना का तकदीरू, अल्लाह तू हर शय पर कादिर है, वला अकदिरू, अल्लाह मैं तो किसी चीज पर भी कादिर नहीं हूं, बता रहा हूं, अल्लाह तू हर चीज का इल्म रखता है, वला अलम, और मैं तो किसी चीज का इल्म नहीं रखता, वानता अल्लामुल गयूब, अल्लाह तू सारे गैबों को जानने वाला है। फिर आगे कहे कि अल्लाहुम्मा اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه। फिर कहे कि अल्लाह ये जो मैं काम करने लगा हूं, ऐ परवरदिगार, अगर तू जानता है कि ये मेरे दीन के लिए, मेरी दुनिया के लिए, मईशत के लिए, मेरे अंजाम कार के एतबार से अगर ये बेहतर है, अल्लाह इस काम को मेरे मुकद्दर कर दे, वयस्सिर हुली, अल्लाह इसको आसान कर दे, तुम मुबारक ली फी, फिर इसमें बरकत डाल दे। कितने खूबसूरत अल्फाज, मोतियों जैसे, सोने के पानी के लिखने के काबिल। या अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए, मेरी दीन, मेरी दुनिया, मेरी मईशत, मेरी आहरत, मेरी अगर बेहतर है, तो अल्लाह इसको मेरे मुकद्दर कर दे, आसान कर दे, फिर बरकत दे दे। वइन कुंत तअलमु अन्न हाज़ल अमरा शर्रुन ली फी दीनी व मआशी व अक़बति अमरी, या अल्लाह अगर तू जानता है कि ये काम मेरी दीन के लिए, मेरी दुनिया के लिए, मेरी मईशत के लिए, आदत के लिए बेहतर नहीं, तो परवरदिगार मुझे इससे दूर कर दे, इसे मुझसे दूर कर। ये सारी दुआ जो है ये इसमें मुस्लिम प्यारे रसूल सल्लम की प्यारी दुआएं उसके अंदर ये दुआ। लेकिन मशीनी दौर है, रेडीमेड दौर है, फितन अफरा तफरी टेंशन डिप्रेशन, ये दुआ याद करनी है। किसी से कहे ना तो कहते जी दिमाग बूढ़ा हो गया, उन्हें कितने याद नहीं, उन्हें याद नहीं। पर आगे से जवाब पता क्या देता है, वो जवाब ये देता है कि
उसे कहना कि भाई इतना जो परेशान है कोई सहारे का हो, इस काम के बारे में इतने रिलेक्टेंट हो, मुतरद हो, इतने परेशान हो, तकलीफ काट रहे, तो सहारा कर लो भाई, मुतमिन हो जो कि सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो आगे से कहते जनाब तू नहीं कर, मेरे को तो नहीं होता, मैं कभी कीता जी भाई, जब तुम्हें कहते हैं शादी कर लो तो तुम्हें ये भी कहना मैं कभी कीती ना भाई, इसको कहो ये कर, मैं कभी कीता जी तुझी कर। और हैरानगी वाली बात है कि लोग ये जो करी साहब ने बार लिखा हुआ ना वो मौजू मेरा कल शायद लिखा हुआ था कि हाथों हाथ इश्तहारा, परेशानियों से छुटकारा हाथों हाथ इश्तहारा, बड़े बड़े बोर्ड लगे मसाजिद के अंदर, पक्के बोर्ड रोगन के साथ लिखे फ्लैक्स के लगे कि परेशानियों से छुटकारा हाथों हाथ इश्तहारा, इश्तहारा फौरी करवाने के लिए तशरीफ लाए। और उससे बड़ा जुल्म ये कि टीवी के ऊपर बड़े बड़े जादूगर किस्म के बड़े बड़े फ्राडिये वो बैठे हैं, वो कहते हैं जनाब लाइव लाइव इश्तहारा, वो टेलीफोन करो बच्चे की शादी ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। वो थोड़ा सा ऐसे आंखें बंद करके पता नहीं क्या करता है, क्या पढ़ता है, दुआ भी आती है कि नहीं, वैसे थोड़ा आंखें बंद करके यस कर दे जी अल्लाह मेहरबानी करे भाई, तुम्हें कैसे पता चला भाई, सफर करूं कि ना करूं, कारोबार शुरू करूं नहीं अभी ना करें अगले हफ्ते करें भाई, तुम्हें कैसे पता चला। कोई एक दोस्त हैं मुझे कहते हैं जी कि वो तुम्हारे भतीजे का वीजा लग गया जी अमरीका, मैंने कहा चलो बड़ी खुशी हुई है जनाब वीजा लग गया, उन्होंने पैसे मैंने पहले ही पता ही लग गया, मैं कहा पहला कि मैं पता जनाब उतार है गुलफाम साहब हंस रहे हैं भाई, मैंने कहा पहले कैसे पता, कहते वो शाह साहब को गया है ना फालगढ़ आने से, तो शाह साहब ने ना मैंने कुरान पाक खोलिया इन्ना लिल्लाह ऐसे कुरान खोला, शाह साहब से पूछा बेटा अमेरिका जाना चाहता है वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा अम्बेसी वाले, वो कहते कुरान पाक खोला बंद कर दिया, कहते लग गया जाओ मुबारक हो। तो मैंने उससे पूछा कि शाह साहब ने कुरान पाक से दे करता, मैंने कहा वीजे की कौन सी सूरत है भाई, वो अमेरिका के वीजे की सूरत है कुरान पाक जिसे वीजा लगे था पढ़ा, वो कहते थोड़ी समझ नहीं आऊ, मैं कला करे थोड़ी समझ आवे भी, मैं थोड़ी समझ नहीं होगा शाह साहब ने कहता बस ठीक है। तो भाई ये तरीका खिलाफ ही सुना था, ये जेहन में रखें, ये किसी से इश्तहारा करवाना ये रोज बरोज बढ़ता जा रहा है सिलसिला, ये बहुत तरक्की पकड़ गए इस्लाम अरूज पे इस वक्त, बहुत सारे लोग बैठे हैं। और हैरानगी वाली बात है कि उनसे कहा जाए कि भाई ये सुन्नत तरीका नहीं है, उधर भी सानू आता ही नहीं, कभी कीता नहीं, नेक लोग नहीं ना करा लिया ऐसे करके, भाई सहाबा ने भी रसूलुल्लाह ने कहा था उनसे बढ़कर नेक कोई हो सकता है, उन्होंने भी कहा कहीं करो। और ये जहन में रखेंगे बात कि किसी दूसरे से इश्तहारा करवाना ये टेवा लगाने के मुतरादिफ है, ये गैब की खबर बताने के मुतरादिफ है, ये भी जहन में रखें। और इसकी सजा भी सुन ली, अगर इसके मुतरादिफ हो तो प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मन अता अर्राफन औ काहिनन, जो किसी अर्राफ के पास किसी काहिन के पास किसी गैर की खबर बताने वाले के पास किसी चोरियां बताने वाले के पास किसी टेवा लगाने वाले के पास, प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि क्या फसादा कौन शही, उसने किसी चीज के मुतालिक पूछा, कहता अल्हम्दुलिल्लाह ते दी सुने ना मैंने पता मेरा पक्का जी की, मैं वैसे ही चला पूछना उसने सिर्फ खाली पूछे चला भाई, तू अगर खाली पूछने जा रहा है तो उसके मुतालिक भी प्यारे पैगंबर इस्लाम का फरमान सुन कि उससे जाके कुछ चीज के मुतालिक पूछा। प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि फलम तुक बल सलात अरबाई न लैला, 40 रातें उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, इस चीज के मुतालिक पूछा। अभी बात यकीन भी नहीं हो रही कि माना कि नहीं माना,
बहुत सारे दीनदार बंदे मैंने देखा है, अहले हदीस के रवाने वाले, घर में चोरी हो जाए तो कहते हैं मैं पता कराने जा रहा हूँ टेबे वाले के पास ना। आप हैरान होंगे कि गफट के करीब गुलाम रसूल उसका नाम है, तो वैसे उसको कहते हैं कि अगर पूछे ना इससे कहाँ जा रहे हैं, कहते हैं सूला झूठा, उसका नाम ही सूला झूठा है। अच्छा, जिसका नाम ही सूला झूठा है उससे क्या पूछने जा रहे हैं कि चोरी की नहीं, इन्ना लेता है। उसने बहुत बड़ी कोठी बनाई है, लोग जाते हैं पूछने के लिए कि चोरी किसने की है। प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि 40 रातें उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, मन अतारा फलन फसदता का हूँ बीमा नकूल। प्यारे पैगंबर इस्लाम का जो किसी काहन के पास, किसी नजूमी के पास, किसी टेवा लगाने वाले के पास, गैर की खबर बताने वाले के पास, चोरियां बताने वाले के पास गया, फसदता का हूँ बीमा नकूल, और उसकी तस्दीक की जो वो कहता है, आके क्या कहते हैं, पहले तो ये कह रहा था ना जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद ईदी अल मालक है जनाब, मैं नहीं मानता, वैसे मैं पूछने जा रहा हूँ, तुम पूछ की आ गई, तो आगे से क्या कहता वापस आ गया, कहते हैं कुछ ठीक ही लगता जी, गलत ठीक दस दे। प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि फसद का कहू बीमा यकूल, उसने तस्दीक की जो वो कहता है, फकद कफर बीमा उनजिला अला मुहम्मद, उसने उस चीज का इनकार किया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। कितना बड़ा जुर्म, कितना बड़ा जुर्म। तो मेरे भाइयों, बड़ा आसान तरीका है, ये बात मशहूर हो गई है कि सहारा जो है वो रात को करना है, ख्वाब आना जरूरी है, ये बातें वैसे मशहूर हो गई, ख्वाब आना कोई जरूरी नहीं, रात को करना कोई जरूरी नहीं, मकरूह औकात के अलावा किसी वक्त भी किया जा सकता है। भाई अगर काम दिन को है तो रात को डीके, काम दिन को आया तो रात को डीके का भाई, तो दिन को दिन के वक्त करें। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम को छोटे छोटे कामों पर इस्तेहारा करते थे, बहुत छोटे छोटे काम, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने तौफीक दी है। मैं तो कहीं जा रहा हूँ ना, दो सड़कें हों तो मैं वहाँ सहारा कर दूँ, इस सड़क पे जाए इस सड़क पे जाए, किसी जगह जाए दर्स देने के लिए तो माहौल देख के दो चार मौजू जिन में होंगे, इस मौजू पर बात करें इस मौजू पर, तो मैं तो यहाँ उसी पर बैठ के ना तो नफर पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो मैं अल्लाह से दुआ करके सिर्फ यकीन करें उस दुआ की मैंने बरकत पढ़ी है, दुआ करके अल्लाह सुभान अल्लाह इस कदर आसानी देते हैं, इस कदर सेटिस्फेक्शन मिलती है जिसकी हादी करें। तो भाई कितना टाइम लगता है दो रखते पढ़ने, कितना टाइम लगता है अल्लाह से दुआ मांगने। तो जितने भी साथी तशरीफ फरमा हैं, मेरी इन सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते जिस साथी को, मेरे सामने छोटे बच्चे होते हैं, आप मैं जुर्रत नहीं कर सकता ना आपके मुतालिक, मैं जुर्रत नहीं कर सकता, मैं कहूँ हाथ खड़ा करो किस किस को याद है, मेरे सामने छोटे बच्चे होते हैं तो उनके मैं जुर्रत कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा हाथ खड़ा करो, बच्चे हाथ खड़ा करते हैं जो नहीं करते। अल्लाह अकबर। अभी कल मैं दर्स दे रहा था तो मैंने दर्स देते वक्त मैंने कहा कि बेटा वो बात हो रही थी सुन्नत की प्यारे पैगंबर इस्लाम की, तो मैंने कहा बेटा हाथ खड़ा करो फिर कौन कौन पढ़ा होकर दाढ़ी रखे, छोटे छोटे बच्चे थे, सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, एक बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा। मैं देख के पहले परेशान हो गया, तो फिर मेरा ख्याल था कि मैं इसको हाईलाइट करूं, लेकिन अल्लाह ने मेरे जहन में बात डाली, किस तरह परेशान होगा बेचारा, इसकी तदलील होगी, छोटा बच्चा है बेशक, तो मैंने बिल्कुल कोई बात नहीं, बहुत कंट्रोल किया मैं। तो मेरा ख्याल था कि मैं इसे सुबह ना अकेला अकेले मिलूंगा अल्लाह की तौफीक से, उसे समझाऊंगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये भी कह दिया, सारे बच्चे उसकी तरफ देखने लगे किसने हाथ नहीं खड़ा किया, तो मैंने ये भी कह दिया उसकी हौसला अफजाई के लिए, मैंने कहा हाँ भाई बड़ा अल्लाह बड़ा अल्लाह का कर्म है भाई, जो दिल में बात होती है कि क्यों बंदा ऐसे हाथ खड़ा करे, क्यों शुरू होती है, जो दिल में बात थी इसने उस पर पक्का रहा है पुख्ता रहा है, तो मैंने इस तरह बात कर दी। तो बहुत छोटे छोटे कामों पर इस्तेहारा करना चाहिए, बहुत छोटे छोटे कामों। तो मेरे भाइयों, मैं आप भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते जहाँ और बहुत कुछ याद है, यकीन करें जो बूढ़ी बड़ी उम्र के साथी बैठे ना, ये ना करें कहा करें कि दिमाग बूढ़ा हो गया, ना यकीन करें दिमाग बूढ़ा नहीं होता कोई, सिर्फ मेमोरी खुल हो गई, ये मेमोरी खुल हो गई, अल्लाह बला इसके अंदर बहुत ज्यादा आ गया है। जैसे मोबाइल के अंदर किसी को क्लिप भेजे ना तो आगे से वो मोबाइल कहता है कि पहले पहला डिलीट करो डाटा, तो ये पहला डाटा जो है ना वो डिलीट करके ना तो ये भरने की कोशिश करे। और जो बूढ़ा बंदा कहता है ना जी कि जरा मेमोरी खुल हो गई है, दिमाग बूढ़ा हो गया जी, ऐसे हो गया अपनी याद होती, तो उसको कभी दुकान पे देखे जाते, अल्लाह अकबर,
हजारों एटमें होती हैं दुकान में, गोदाम में पड़ी हजारों। तो बाबा जी बुजुर्ग दुकान पे बैठे होते हैं, गाहक आता है कहता जनाब ये चीज है सौदा है, सेलमैन कहता नहीं है, तो बाबा जी ओए ओ 6 नंबर गोदाम के बीच हो फिर उतले रैक में थले बोरियां थले पे। इसका मतलब है सारे गोदाम याद है कौन सी चीज काम पड़ गया, कौन सी एक एक रेट याद है, एक एक पता याद है, अगर नहीं याद तो प्यारे पैगंबर ने काम की बतलाई की दुआ याद नहीं, कोशिश तो करें। तो मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि छोटी किताब प्यारे सूरसन की प्यारी दुआएं इफ्तार साहब इनके लिए अगर हो सके तो ये सारे साथियों के लिए ना सलूम मुस्लिम या प्यारे सूरसन की प्यारी दुआएं या एक फोटो कापी करा, फोटो कापी करा दें। मेरे साथियों से गुजारिश है कि जेब में रख के ना, तो मैं नहीं कहता ज्यादा, सिर्फ इतना करें कि एक दिन इतना करें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका बिइल्मिका, बस अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीरुका बिइल्मिका सिर्फ इतना करें। दूसरे दिन वास्तगीरुका बिकुदरतिका वास्तगीरुका बिफजलिका बदीन, इतना तो करें थोड़ा थोड़ा करके इंशाअल्लाह तआला अल्लाह मेहरबानी फरमा देगा। हाँ यकीन जाने मैंने देखा है कि लाइसेंस बनवाना था मैंने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था मैंने, तो मैंने देखा कि वहां अच्छे भले वकील डॉक्टर वो छोटी किताब मिलती है ना इशारों वाली वो लेके तो रट्टा लगा रहे थे अंदर अंदर इंटरव्यू था, एसपी साहब बैठे हुए थे तो वो रट्टा लगा रहे, तो मैं उन्हें देख के हैरान हो गया कि मैंने तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा फिर चक्कर लगेगा। तो इतनी जान पे बनी हुई जो पायरा था क्या पूछा, जो पायरा था क्या पूछा। भाई काश कभी इस तरह प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं याद करने की कोशिश बंदा करे, कुरान की सूरतें याद करने की कोशिश करे, काश ये हो जाए। तो इसलिए मेरे भाई कोशिश करें कि इनको याद करें, याद करने की छोटे छोटे कामों में सब अल्लाह की कसम आप हैरान होंगे कि जिस काम पे बंदा इतना परेशान होता है ना, बहुत परेशान होता है कि करूं क्या ना करूं क्या बनेगा क्या होगा, इस सहारे की दो रखते मड़ के दुआ पढ़ ले, यकीन करें कि बंदा बिल्कुल शुरू हो जाए। ये यकीन रखना चाहिए कि जो मैंने काम किया है इंशाअल्लाह ताला, और ये बात ज़हन में रखें कि ख्वाब आना जरूरी नहीं, अगर वो काम फायदे वाला होगा अल्लाह आसानी पैदा कर दे, अगर शर का बायस होगा अल्लाह बचा दे। और ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि बाज़ दफा इस्तखारा करके तो बंदा कहता है फौरी रिजल्ट नहीं निकला, बाज़ दफा वो काम अंजाम के अतबार से अच्छा नहीं होता, अल्लाह सुभान तआला के इल्म में होता है। तो अगर काम ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा वबेला करे नाराजगी का इजहार करे, नहीं बल्कि अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए कि परवरदिगार तू कुदरतों का मालिक है, तू सारी ताकत का मालिक है, अल्लाह मैं तुझसे ताकत का सवाल करता हूँ अल्लाह मुझे भी, तो ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह के साथ। तो मेरे भाई ये ख्वाब का आना जरूरी नहीं, इसलिए मुतमिन हो जाना चाहिए और ये यकीन रखें दो रखते पढ़ के जब दुआ करेंगे ना, हाँ ये भी अर्ज कर दूं कि दुआ किस वक्त करनी है, ये सलाम फेरने से पहले भी हो सकती है, सलाम फेरने के बाद भी हो सकती है, और सजदे में भी जाए, सजदे में भी जाए सलाम फेरने से पहले करें या सलाम फेरने के बाद, सलाम फेरने के बाद करें तो अफजल है, इसलिए कि बाकायदा तौर पर अल्लाह की हमदो सना करके प्यारे पैगंबर इस्लाम पर दुरूद पढ़ के, और अगर दुआ याद नहीं तो इस्तहारा उतनी देर तक ये ना हो करें ना भाई, किताब से पढ़ के कर लें, दो रखते पढ़ के सलाम फेर के तो किताब हाथ में पकड़ के उससे पढ़ के दुआ पढ़ देख के दुआ पढ़। और जहां ये आता है ना कि अल्लाह इन कुन अमर हाजल अमर, जहां ये लगता है ना हाजल अमर, उस पर अपनी हाजत का नाम लेना चाहिए। मसलन अगर बची बच्चे का निकाह है तो अल्लाह इन कुन तआलमुन हाजल निकाह, निकाह का नाम ले, लेकिन अगर नाम ना भी ले तो अल्लाह की तौफीक से दिल में हाजत होती है ना, अल्लाह दिलों के भेज जानता है, उर्दू में कह ले, उर्दू में कह ले या दिल में हाजत होती है ना हाजल अमर ही कह दे, लेकिन जब हाजल अमर कहेगा तो दिल में हाजत नाम होगा उसका, तो बस इतना कह। तो मेरे भाइयों यकीन पुख्ता होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करे। मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इस बात का यकीन कर लो कि अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती मगर उतना जितना अल्लाह के मुकद्दर में लिखा हुआ था, और इस बात का भी यकीन कर लो कि सारी दुनिया मिलकर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती मगर उतना जितना अल्लाह के मुकद्दर में लिखा हुआ था। तो भाई ये यकीन होना चाहिए दो रखते पढ़ने के बाद दुआ पढ़ने के बाद कि मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा, नहीं करेगा। कैसा यकीन होना चाहिए, देखा कभी आपने छोटे बच्चे को उसका बाप
इस तरह खुदा भी उछालता है। देखा बिल्कुल छोटा बच्चा इस तरह बाप पकड़ के ऐसे ऊपर करता है, फिर पकड़ता ऐसे ऊपर करता है। तो क्या ख्याल है बच्चे को तो रोना चाहिए, डरना चाहिए ना, बच्चा हंसता है, बच्चे को तो रोना चाहिए, बच्चा हंसता है तो साथी हाथ खड़ा करेगा कि क्यों बच्चा हंसता है जी। अल्लाह अकबर। मोहतरम फरमाते हैं कि उस बच्चे को यकीन होता है कि मेरा बाप मुझे छोड़ेगा, मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। मेरे भाइयों हमारा अपने रब पर किसी तरह यकीन होना चाहिए कि हमारा रब हमें गिरने नहीं देगा, हमारा अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। इंशाअल्लाह तआला अल्लाह जरूर मदद करेगा, जरूर मदद करेगा। बस साथी सहारा करते हैं, करते ही जाते हैं। पूछो ना की गल हुई, आंदे पता नहीं की गल है जो काम पूरा नहीं हो रहा। जब तक मर्जी का जवाब ना आए उस वक्त तक करते ही जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी से फतवा लेने जाए मौलवी साहब से, तो जब तक मर्जी का फतवा ना मिले उससे पूछ। अगर मर्जी का मिल जाए तो पहले मेरे जैसे मौलवी से मिल जाए, कहते हैं बहुत कमाल जवाब है, बहुत ही लमाला बन जाएगा। तो भाई इस्तहारा करने के बाद अपनी मर्जी की बात नहीं जुड़नी चाहिए, जैसे भी करेगा अल्लाह सुब्हान अल्लाह इंशाअल्लाह तआला तौफीक देगा। मेरी साथियों से इत्तमाद, इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो शख्स, ये गौर से सुने जुमला, जो शख्स इस्तहारा करे और मखलूक से मशवरा करे, जो शख्स इस्तहारा करे और मखलूक से मशवरा करे, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करे, सोच विचार के बाद काम करे, कहते हैं वो शख्स नादान नहीं होगा। जो शख्स इस्तहारा करे, मखलूक से मशवरा करे, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करे और गौर व खौस के बाद काम करे, कहते हैं वो नादान नहीं होगा। और बाद अहले इल्म कहते हैं कि जिसको चार चीजें मिल जाए वो चार से महरूम नहीं रहेगा, जिसको चार चीजें मिल जाए वो चार से महरूम नहीं रहेगा, जिसको शुक्र करने की नेमत मिल जाए वो मजीद के मिलने से महरूम नहीं रहेगा, जिसको तौबा की तौफीक मिल जाए वो कबूलियत से महरूम नहीं रहेगा, जिसको इस्तहारे की तौफीक मिल जाए वो इस नेमत से महरूम नहीं रह सकता। और ये बात भी जहन में रखें कि ये अल्लाह की तौफीक से। इसलिए मेरी भाइयों से तमाश है कि दुआ जरूर याद करें और हर छोटे काम पर, बल्कि छोटे बच्चों को भी तरकीब दें। हाँ ख्वाब आ जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब आना ज़रूरी नहीं। मैंने किस सहारा किया कि ये काम करूँ कि ना करूँ, यानी बताने लगा हूँ ख्वाब किस तरह की आती, तो मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये काम करूँ कि ना करूँ, तो मैं रात को इस सहारा करके मैं सो गया। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने दीवार को हाथ डाला तो ईंट मेरे हाथ में आ गई, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, फिर दीवार को दूसरी ईंट को हाथ डाला वो भी मेरे हाथ में आ गई, फिर तीसरी ईंट वो भी यानी ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा। तो इससे इशारा ये मुझे महसूस हुआ कि ये काम मेरे लिए ठीक नहीं होगा, अल्लाह के भरोसे पर काम करना चाहिए। क्या वाणी है और दुआए इस्तखारा भी सुना दें।
कारी साहब ने जो सवाल किया भाई, मुझे लगता है कि कारी साहब का इनाम देने का प्रोग्राम है। मैंने सहारा का क्या मैंने दुआ भी सुनी। हाँ जी, मैंने कहा था मैंने यही कहा है जनाब के कारी साहब का इनाम देने का प्रोग्राम नहीं। मौलवी साहब को सराती हैं सर्दियाँ बयान कर रहे थे ना कि वाद तो ज़्यादा बरीक तलवार तो ज़्यादा तेज, बंदा उठा गुआ कहना इसी तरह को लगन नहीं देना। साहब इलम से अगर पूछेंगे तो भाई साथ तजर्बा होगा, जिसको तजर्बा है उसको देगा।
तो अगर खदार खराद मशीन के बारे में मशवरा लेंगे किसी आलम दीन से तो वो तो नहीं बताएंगे ना भाई खराद मशीन के बारे में। तो इसलिए साथ इलम तजर्बाकार और साथ खैर खा, ये भी शर्त है बाजमात बंदा होना, हर किसी से तो मशवरा नहीं हो सकता। सवाल नंबर 4, शेख मुहतरम ने इब्तिदा में कौन सी आयत पढ़ी है, वो किस सूरत की कितने नंबर आयत है? जी बेटा, माइक पे आगे बताया गया ताकि जो आपका सब साथ हो। आयत भी पढ़ दे आती है। शेख मोहतरम ने इब्तिदा में कौन सी आयत पढ़ी है, वो किस सूरत की कितने नंबर आयत है? ये कौन सी आयत पढ़ी है, इसके बाद आयत पढ़ाना चाहते हैं या खाली नंबर है? तो सारी देर है, तो ठीक है जवाब दे। क्या बताया जी? सूरा बकरा नहीं बोलेगा ये। सवाल नंबर 5, इस्तखारा की कितनी रकतें हैं और दुआ किस मुकाम पर पढ़ी जा सकती है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तखारा की दो रकते हैं, इस्तखारा की दुआ सजदे में सलाम फेरने से पहले और सलाम फेरने के बाद भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, सलाम ले लें, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, फिर सलाम फेर लें। ये क्या नाम है? ये इब्राहिम साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब ने जब आ गए सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह कहा तो इसी काम बन गया। माशाल्लाह, बहुत ही मदद आई। सवाल नंबर 6, वशाविरुहुम फिल अम्र, ये आए किस पैगंबर के लिए इसको नाज़िल किया गया और किस वजह से? यार सवाल इतना मुश्किल नहीं जितना आपने एक पढ़ा हुआ है, बहुत आसान सवाल है भाई। बशावर हूँ किला पर ये आए किस पैगंबर के लिए नाज़िल हुई और किस वजह से? जी भाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो अपने जो सहाबा काम हैं उनसे मुशावरत से फैसला करते। माशाल्लाह, नाम दे दें। तो साथी बोला कोई नहीं कि नाम दे दें, तो मैं बच्चों से कहता ना बेटा नाम दे दे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है, किस तरह सिखाया करते? जी भाई,
नहीं नहीं ये सवाल इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौन शेख मुहतरम ने आप कह रहे हैं ना वो मैंने कहा था कि बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं लेकिन मैंने एक अलग कहा था कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो कारी साहब मुहतरम ये पूछते हैं जी बेटा चलो इनाम कुछ तीसरी होगी ना जी वो मैंने कहा था कि चार बातें मैंने बयान की थी कि जो सहारा करता है नंबर दो मकबूल से मशवरा करता है नंबर तीन जल्दबाजी का गुजारा नहीं करता नंबर चार गौर व खौज के बाद काम करता है सवाल नंबर नौ इस्तखारा का शरी तरीका और गैर शरी तरीका क्या है सवाल नंबर दस कायन और अर्राफ के पास जाने वाले की इबादत कितनी देर तक कबूल नहीं होगी चालीस साल क्या है सवाल नंबर ग्यारह काहिन और अर्राफ के पास जाने वाला उसकी बात की तस्दीक करने वाला किस शख्सियत की शरीयत की इनकार करता है सदा कबूल तस्दीक की
सवाल नंबर 12, दुआए इस्तखारा का मफहूम बयान कर दें। तर्जमा में उसका मफहूम बयान कर दें कि उसने जो है ये जिक्र हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए इस्तखारा का मफहूम यह है कि ऐ अल्लाह, जो तू जानता है वो मैं नहीं जानता हूँ। ऐ अल्लाह ताला, जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ ये तू जानता है कि इसमें बरकत है या नहीं है। अगर इसमें बरकत है तो मुझे इस काम की तौफीक दे दे और इसमें बरकत डाल दे और आसान कर दे, और अगर ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है तो इससे मुझे दूर कर दे और मुझे ना करने की तौफीक दे। चीफ जस्टिस कारी साहब, दूसरा मैं ये अल्लाह से मशवरा करना नहीं होता, अल्लाह से खैर तलब करना। अल्लाह उसका हिंदू का अल्लाह में उससे खैर तलब कि आखिर रसवान, जिस तरह अब आपको पता है कि पूरी नमाज का तर्जमा है, तो इंशाअल्लाह शेख मोहतरम इंतखाब करेंगे और यहाँ माइक पर आकर उसका तर्जमा भी सुनाना है और वो सामीन को पढ़ा भी है। दो सवाल है जी, दो ही नाम है। समी अल्लाह हु लिमन हमिदा। सौ बज जाना सी, 300 है ना। कारी साहब कहते हैं इसके अंदर 300 है, 100 बढ़ जाना। 100 रुपये कारी साहब जुर्माना। अच्छा जी, दूसरी के बाद कोई दुआ सुना दे भाई। जी 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 कर दो। हाँ जी, हाँ जी जी। बेसिकली तर्जमे में सवाल मुझे और मेरी औलाद को नमाज का प्रबंध फरमा और मेरी दुआ को कबूल फरमा और मुझे बख्श दे और मेरे वालदैन को बख्श दे और सब मुसलमानों को बख्श दे। मुझे आसान हो मेरी मोहतरम से गुजारिश है कि वो जरा इस कारी साहब के पास इस दुआ का तलब गुजरा दूसरे का क्योंकि नमाज जो है ना उमूमन स्पीकर पे याद की होती है। वो एक बच्चा बोलता है, सारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, उसी तरह याद होती है। बतावारा कस्म का बताला जिंदू का बतावारा कस्म का बताला जिंदू का, इस तरह जान कोशिश करनी चाहिए कि उसको के साथ किसी का भी साहब अच्छे करें तो आपके पास उसी को।